वेलकम टू माय चैनल्स सदाम क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले ऑल स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। शुरू करने से पहले मैं चार मिसरा बोलना चाहता हूँ। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। हमें सफलता पाने के लिए अपने हौसलों को बुलंद रखना होगा। इतना कह के मैं आज आप लोग के सामने क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि बोर्ड बीएससीबी बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रमेय है। हरदम एक या दो साल के अंतराल पे डालता रहता है। इसे आप लोग गौर से पढ़िएगा, बहुत ही आसान है ये प्रमेय। लोग इसे भारी समझते हैं लेकिन बहुत ही आसान वे में आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले देखिए बता रहा हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है। पाइथागोरस प्रमेय का कथन कहता है कि एक संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग है। पाइथागोरस प्रमेय के लिए सबसे पहला जरूरी है कि संपूर्ण त्रिभुज होना चाहिए। संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए बनाने के लिए लिखना चाहिए दिया है। लिखेंगे कि एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी संपूर्ण है। ठीक है ना, ये हमने मान लिया कि कोण बी क्या है, संपूर्ण है। जब कोण बी संपूर्ण हो गया, जो जहां कोण बन गया 90 डिग्री का, वो एक लंब हो गया और ये आधार हो गया, और उसकी सामने वाली भुजा कर्ण होती है। या तो ये आधार है या ये आधार है, या ये लंब है चाहे ये लंब है, दोनों हो सकता है आधार लंब, लेकिन उसके सामने वाली भुजा आधार और लंब के कर्ण कहलाता है। दिया है क्योंकि उसके बाद लिखना है, सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, इसमें कर्ण कौन सा है, अभी बताया कि ये आधार है और ये लंब है, तो कर्ण है एसी। कर्ण का वर्ग एसी का स्क्वायर, शेष अन्य दो भुजाओं, तो कर्ण के छोड़ के शेष भुजा बचा एबी और बीसी, तो एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक रचना किया है। रचना में बीडी लंब एसी खींचा। ठीक है, परमार्थ मैं आपको एक मंत्र बता देता हूं जो कि याद रखना है कैसे इसको बनाना है। ठीक है, एक बार ये छोटा वाला भुजा चलना है, छोटा वाला त्रिभुज में चलना है, फिर बड़ा वाला भुजा त्रिभुज, छोटा वाला और बड़ा वाला, फिर इस ये वाला छोटा वाला त्रिभुज और फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेके चलना है। तो सब परमाण में दोनों त्रिभुज चलते हैं, लेके त्रिभुज ए बी डी, तथा बोला कि सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेके चलना है, तो ए बी डी को ले लिया, और बड़ा वाला जरूर लेना है त्रिभुज ए बी सी। सबसे पहले हम इसको समरूप सिद्ध करते हैं। तो ए बी डी में देखिए इस कोण ए आया है, और बड़ा वाला त्रिभुज में भी कोण ए आया है, तो कोण ए बराबर कोण ए क्या हो गया, उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ उसे कहते हैं जो दोनों में मौजूद हो, ये उभयनिष्ठ हो गया। दूसरा चीज कि त्रिभुज ए बी डी का जो कोण डी है 90 डिग्री है, और ए बी सी का कोण भी 90 डिग्री है। जब दो कोण बराबर हो तो समरूपता की शर्त, मैंने कल पढ़ाया था तो इसमें आपको बताया था कि संगत कोण बराबर होने चाहिए समरूपता की शर्त में, तो इसलिए हम लिख देंगे ए ए समरूपता से, यानी एंगल एंगल कोण कोण ए ए समरूपता से त्रिभुज ये जो लिए हैं दोनों समरूप हो गया, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो हम उसकी भुजाओं को, संगत भुजाओं को अनुपात में लिख सकते हैं। तो त्रिभुज एबीडी का हम आधार और त्रिभुज एबीडी का आधार और कर्ण लेते हैं, तो इसका आधार क्या है एडी, संगत भुजाओं। तो इस जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका आधार को हम ले लेते हैं एबी, एडी बटा एबी। अब इस त्रिभुज का एबीडी का कर्ण क्या है एबी, जब ये यहां पे लंब है तो कर्ण हो गया ये वाला एबी, तो एबी ले लिया। और बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण तो हरदम यही होगा एसी, क्योंकि इधर एबीसी है तो एसी। इसके बाद ट्रिक मल्टीप्लिकेशन, ट्रिक मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है त्रिशातिर्षी गुना, तो एबी में एबी से गुना होगा एबी स्क्वायर, और इधर होगा एडी इंटू एसी। इक्वेशन वन आपको बोला पहला त्रिभुज फिर बड़ा वाला त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे। अब नाउ
इसमें ना समरूप सिद्ध नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सी और बड़ा वाला त्रिभुज में सी कॉमन होगा और डी इसका और उसका बी 90 होगा, इसी तरह से वो भी समरूप होगा। इसी प्रकार डायरेक्ट लिखेंगे कि इसी प्रकार त्रिभुज बी टी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो अब हम ये त्रिभुज और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसकी भुजाओं को भी हम समान अनुपात में लिख सकते हैं। तो हम इसका लेते हैं आधार, इसका आधार क्या है डी सी, अब उसका लेते हैं आधार बड़ा वाला त्रिभुज का बी सी। अब ये जो डी सी त्रिभुज है इसका कर्ण क्या होगा बी सी, और बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण हरदम ए सी। इसके बाद ट्रिक मल्टीप्लीकेशन, बी सी में बी सी से गुना होगा बी सी स्क्वायर और डी सी इंटू ए सी, इक्वेशन दो। इसके बाद हमको जो सिद्ध करना है उसकी थ्योरी में बोला है कि योग के बराबर होता है, तो हमारे पास जो इक्वेशन दो आया उन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे समीकरण वन प्लस समीकरण टू से, समीकरण वन प्लस समीकरण टू से। तो एलएचएस एलएचएस में जोड़ा जाता है और आरएचएस आरएचएस में जोड़ा जाता है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर के उस साइड इधर में है ए डी इंटू ए सी और आरएचएस इसका है डी सी इंटू ए सी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इन दोनों में ए सी ए सी कॉमन है, ए सी को कॉमन लिया तो यहाँ ए डी प्लस डी सी। अब देखिए जोड़ के ए डी और डी सी, ए डी और डी सी को जोड़ने पे क्या बन रहा है ए सी, तो आगे लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी स्क्वायर ए सी इंटू ए डी और डी सी मिलकर बन गया ए सी। ए सी और ए सी में मल्टीप्लाई होगा तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, उसको इस साइड लिख दिया गया, इस साइड लिखिए चाहे उस साइड लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं कर सकता है। अब इधर हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी जो है इस त्रिभुज का कर्ण था, ए बी आधार था और बी सी लंब था। ये जो हुआ इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हुआ। इसे जो है हिंदी के लैंग्वेज में इस प्रकार भी लिखा जाता है, इस प्रकार भी लिखते हैं हम इसे कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही आसान लगा होगा, अब आपको इसको रटने की जरूरत नहीं होगी, आप बहुत जल्दी इसको सीख गए होंगे और ये आपसे परीक्षाओं में नहीं छूटना चाहिए। दैट इज ऑल फॉर टुडे, नाउ वी टॉक अबाउट